वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी एंड आज की जो वीडियो है वो अगेन वैकेंसी पे है। यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है वो dxc.technology की तरफ से आई हुई है। यहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल है वो एसोसिएट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आपकी प्रोफाइल मिलेगी। प्लस लोकेशन की बात करें तो ये बैंगलोर की है, ठीक है। तो और भी आगे बातें करेंगे, साथ में हम देखेंगे इसको अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस देखेंगे। तो लास्ट वीडियो देखिएगा, आपकी कोई भी डाउट नहीं रह जाएगी। लास्ट जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोग लास्ट वीडियो नहीं देखते हो, बीच में कमेंट कर देते हो कि मैम ये कैसे हुआ का। तो वीडियो देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। प्लस अगर मेरे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेगी वैकेंसी के साथ साथ प्रिपरेशंस के भी वीडियो, ताकि आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकें। प्लस आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसकी भी वीडियोस मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको प्रोफाइल मैंने बता दिया, जो कि एसोसिएट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है, लोकेशन आपका बैंगलोर है। बाकी टीचर्स देख रहे हैं, अगर आपका बैचलर डिग्री है या फिर उसकी इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री है, यानी कि आपने बीसीए एमएससी किए हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर बैचलर डिग्री की बात करें तो यहाँ पे आपका जो, अगर आप कंप्यूटर साइंस से किए हो या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से किया हो या फिर इससे रिलेटेड कोई भी आपका ब्रांच है उससे किए हुए हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपका जो यहाँ पे बाकी डिटेल्स दी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, क्योंकि यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, प्लस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। बेसिक आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसकी भी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। प्लस इंटरपर्सनल स्किल्स भी आपके होनी चाहिए, प्लस कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ सकता है, टीम के साथ काम करना पड़ सकता है, आपको जो वर्क एनवायरनमेंट है वो सारी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे आपको इन सब चीज़ की बहुत ज़्यादा मिलेगी, जरूरत पड़ेगी, ओके। तो हम लोग देख लेते हैं, ये तो सारी इसकी डिटेल्स हो गई, प्लस हम देख लेते हैं आखिर इसको अप्लाई करना कैसे। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस पर जब क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इसी पेज पे आ जाओगे। तो देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपल, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो देखते हैं क्या आता है। मेरी थोड़ी सी नेट स्लो चल रही है क्योंकि मेरी डेटा आप पर डे की डेटा फिनिश हो गई है, ठीक है, तो थोड़ी सी स्लो चलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्राइमरी ईमेल आईडी आपको देना है, फ़ोन नंबर देना है, रिज्यूम अपलोड करना है, और इसके बाद से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर आप इन्हें फिल नहीं करना चाहते तो स्किप एंड कंटिन्यू पर भी क्लिक कर सकते हो। तो फिलहाल हम इसको फिल करते हैं। यहाँ पे आपको जो प्राइवेसी है उसके बारे में अभी बताया जाएगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर फिल करते हैं फर्स्ट नेम, उसके बाद से आपको फिल करना है लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल आईडी, तो हम ईमेल आईडी दे दे रहे हैं 156। उसके बाद फोन नंबर, ओके। अब इसके बाद से रिज्यूम सेलेक्ट कर लेते हैं। रिज्यूम आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस प्रोफाइल के लिए आप अपलोड कर रहे हैं, यानी जिस प्रोफाइल के लिए आप रिज्यूम सेंड कर रहे हैं, आप उस रिज्यूम में उसके बारे में, उससे रिलेटेड चीज़ें फिल कीजिएगा। अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में कर रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर की नॉलेज से इस चीज़ के बारे में आपको फिल करना है, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप नीचे लिखा है गेट आवर न्यूएस्ट जॉब बाय ईमेल। अगर कोई न्यू जॉब के लिए आता है, उसके लिए भी आप चाहते हो कि आपको नोटिफिकेशन आते हो, तो उस पर भी चेकबॉक्स कर सकते हो। आपको अगर आगे जो भी न्यू वैकेंसी आएगा, आपको उसकी मेल आ जाएगी उस पर, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या प्रोसेस होता है। इसके बाद से आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपके पास अगर पहले से अकाउंट है तो ठीक है, नहीं अकाउंट है तो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट करने के लिए क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे। मेरे पास अकाउंट है या नहीं है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो भी एक बार ईमेल आईडी डालूंगी और चेक जरूर करूंगी कि क्या पता मे बी हो, और नहीं होगा तो फिर हम लोग क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेल आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे। यहाँ लिखा रहा है इनवैलिड आईडी एंड पासवर्ड,
ओके, तो यानी कि मेरी अकाउंट यहाँ पर नहीं है तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ आईडी, ईमेल आईडी डालना था ना, 997@gmail.com, पासवर्ड One, two, three, four. ओके, तो ये आपका हो गया पासवर्ड, यस, एंड क्रिएट अकाउंट। तो देखते हैं क्या आता है। ओके, तो ये आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको हम नेवर कर देंगे, क्विक अप्लाई है। देखते हैं क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ पे करना है आपको अपना रिज्यूम सिलेक्ट, तो आप सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करोगे और यहाँ पे नीचे आओगे, अपने रिज्यूम को सिलेक्ट करोगे। तो मैं अपने रिज्यूम सिलेक्ट करती हूँ, ये हो गया रिज्यूम सिलेक्ट। सिलेक्ट होने के बाद अभी यहाँ गोल गोल घूम रहा है, अभी ये अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद जब यहाँ दिखा देगा आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, तब आगे आप करोगे। यहाँ पे आप देख लेना आपकी जो रिज्यूम की साइज होगी वो मैक्सिमम 5 MB तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या है आपका, यहाँ पे कंट्री इंडिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। आप जब अपना रिज्यूम अपलोड करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली साइट डिटेल्स फिल हो जाएंगी। यहाँ पे जहाँ स्टार लगा हुआ है वो चीज़ आपको फिल करना जरूरी है, ठीक है। 2273008 पिन कोड आप डालोगे, यहाँ पे एड्रेस डालोगे, ईमेल आईडी हो गया, फ़ोन नंबर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर हम डाल रहे हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दी हुई हैं, फैक्स है, लैंडलाइन है, सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप जो चाहो वो सिलेक्ट कर लो, मैं मोबाइल सेलेक्ट कर रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पर डालना है कि इसके बारे में आपने कहाँ से सुना है, ठीक है। तो मैं यहाँ अदर डाल रही हूँ, अदर डाल के अदर पर क्लिक कर लो आप, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से क्या आपने यहाँ पहले से काम किए हो, इफ़ यू आर करेंट, हम तो करेंट है नहीं तो हम यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है। और इसके बाद से नेक्स्ट नो पे क्लिक जाओ, हाँ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखते हैं शायद एकेडमिक के बारे में आ जाए, वर्क एक्सपीरियंस आ गया, चलो ठीक है। यहाँ पर हम लोग फिल करना वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो रिमूव रिमूव कर दो। आप जितने भी वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर शो हो रहे हैं सबको रिमूव कर दो, है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं है तो रिमूव कर दो। उसके बाद से यहाँ पर आपको एजुकेशन की डिटेल्स देनी है, तो यहाँ पर आप क्या क्या किए हो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भर देना है, ठीक है। पहला है बैचलर डिग्री, परसेंटेज आप डाल लो। उसके बाद से ईयर कब स्टार्ट है, कब ख़त्म है। तो स्टार नहीं इस पे बना हुआ है तो मैं इसे हटा रही हूँ, जो चीज़ स्टार बना हुआ है उस चीज़ को आप फिल कर दो, ठीक है। जिस पे स्टार नहीं बना है उसे रहने दो। इसके बाद से यहाँ डिग्री आप फिल भी कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हम वो चीज़ डाल रहे हैं, यहाँ पर 12th, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पर परसेंटेज को हटा दो, इसके बाद नीचे आते हैं तो इसको पहले रिमूव कर लें। इसके बाद 10th क्लास की डिटेल्स, तो ये भी स्कूल का नाम इनकम्प्लीट है, ठीक है, स्कूल के नेम हो गए। इसके बाद से आप डिग्री यहाँ सेलेक्ट कर लो। इसके बाद से नीचे ठीक, तो ये आपके एजुकेशन की डिटेल्स फिल हो गई। स्किल्स का यहाँ पे आ रहा है, तो आपको स्किल्स की जिसकी नॉलेज है आप सिंपल यहाँ पर सर्च करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे सर्च किया जावा, तो अभी तो दिखा रहा है नो आइटम, तो
इसको आपको यहाँ जावा करने पर एंटर करना है। एंटर करने पर आपको यहाँ देखो जावा या जावा J2EE आपको जिस पे क्लिक करना है आप क्लिक कर दो। ठीक है, मैं दोनों पे क्लिक कर रही हूँ। इसके बाद आपको नीचे आना है। वेबसाइट आपके पास कोई है आप उसे डाल सकते हो, नहीं है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, आपका रिज्यूम तो अपलोड हो ही चुका है। नेक्स्ट पे करने के बाद यहाँ कुछ आपको टर्म एंड कंडीशन दिए हुए हैं तो आप इनको फिल पढ़ो। इसका इस पर क्लिक करके और नेक्स्ट पर क्लिक। नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो इसके बाद देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। इसके बाद से आपने जो भी डिटेल फिल की है उसकी रिव्यू कर लीजिए कि जो भी चीज़ आपने फिल की है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, आप देख लो। देखने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दो। सबमिट क्लिक करने पर ये आपकी सबमिट हो जाएगी। इसके बाद से जो फर्दर प्रोसेस होगा, आपका रिज्यूम अगर शॉर्ट लिस्ट होता है तो आपको इसके आगे की जितनी प्रोसेस होंगी उसका मेल आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सब सॉर्ट आउट हो गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम आपको फॉर्म फिल करने में नहीं होगा। अगर इसके बाद भी फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगी, आपकी हेल्प कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।